कम से कम आपके 5 नंबर की प्रश्न आते हैं अगर हम बात करें तो, यहाँ 2 से लेकर 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आज के जो टॉपिक है उसका नाम है समावेशी शिक्षा। आपको भी पता होगा समावेशी शिक्षा का क्या रोल, क्या भूमिका है और यहाँ से किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग इसके वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, जहाँ भी जरूरत पड़े आप इनकी स्क्रीनशॉट भी अपने साथ करते चलिएगा। जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के, आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा है क्या, इनमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। ये 1990 में शुरू हुआ, उसके बारे में इसी पूरी जो पटकथा है ना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा हम लोग पढ़ेंगे। इस थाईलैंड में एक सम्मेलन क्या हुआ था जोमेशियन में, जिसकी नीति, जिसकी जो न्यू डाली गई, तो 1990 में, मतलब अगर आप देखें तो आपको लगेगा हाँ सर ये तो भी हाल में ही हम लोग के सामने ही इसकी न्यू पड़ी है। आपको भी देखकर लगेगा कि इसकी न्यू तो आप लोग के सामने ही पड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो एक बात सामने आएगा आपके कि इस सम्मेलन में लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। माने जो थाईलैंड में जो सम्मेलन हुआ जोमेशियन में, वहां पे एक लक्ष्य रखा गया। यह लक्ष्य रखा गया कि सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। आइए उस पर हम बल देंगे और देखेंगे कि समान अवसर का यहाँ पर क्या औचित्य है और क्या तात्पर्य, उसका क्या मतलब हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा सम्मेलन 1994 में स्पेन में हुआ, पहले 90 में थाईलैंड में, फिर दूसरा 4 साल के बाद 94 में स्पेन हुआ। यहाँ इस सम्मेलन में विश्व का सम्मेलन में समानता और सुलभता पर विशेष ध्यान दिया गया। जो सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, इस सम्मेलन में 92 देश सम्मिलित थे। अगर हम बात करें यहाँ पे एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी धर्म, जाति, समुदाय, समाज, परिवार, भाषा के आधार पर बिना भेदभाव के शिक्षा होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो एनसीईआरटी क्या कहता है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो धर्म, जाति, समुदाय, परिवार, भाषा, मजहब, इन सबसे बिना भेदभाव के, इन सबसे ऊपर शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, आगे हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि समावेशी की आवश्यकता, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि समावेशी की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण समावेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी। तो सामान्य मानसिक विकास के लिए, बच्चों का सामान्य मानसिक विकास हो सके, समाजीकरण हो सके, बच्चों एक समाज का जो है वो प्रतिपटल हो सके, शैक्षिकीकरण हो, समानता का अनुपालन करने के लिए, दूरियां मिटाने के लिए। अगर हम समावेशी शिक्षा को समझें तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से अगर समझेंगे तो पूरी समावेशी शिक्षा यहाँ पे समझ में आ जाएगी। देखिए एक स्कूल का मैं मॉडल बना रहा हूँ, सपोज दैट इसमें आपके 30 बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कोई कक्षा है आपकी, इस कक्षा में कुल 30 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 30। एक इसमें शिक्षक है। अब जो 30 स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या कितनी है आपके, माना कि इसमें जो बच्चे हैं वो है आपके 30, स्टूडेंट जो है आपके वो 30। 30 बच्चे विभिन्न प्रकार के हैं, कोई विशिष्ट बालक है, कोई दिव्यांग बालक है, कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई सामान्य बालक है, अलग अलग प्रकार के बालक हैं। मान लीजिए इसमें कुछ दिव्यांग बालक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें, 2 बच्चे ऐसे जो दिव्यांग है, अगर उन बच्चों को दिव्यांग स्कूल में रखा जाए, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, अगर उन बच्चों को हम लोग दिव्यांग स्कूल में रखेंगे तो दिव्यांग स्कूल में क्या होगा कि जब एक साथ बच्चे स्कूल में जाएंगे, प्रेयर होगा और उसके बाद बच्चे अपने कक्षा में बैठे रहेंगे, अगर लंच होता है तो क्या होगा, सारे बच्चे इंतजार करेंगे, उनके पास भोजन आएगा, उनके पास टीचर आएंगे, टीचर मारेंगे नहीं, वहां पे जितने भी आसपास के लोग होंगे वह कैसे होंगे, वो दिव्यांग बच्चे ही होंगे, तो उनका जो माहौल होगा वो दिव्यांग का माहौल होगा, वो अपने आप को दिव्यांग महसूस करेंगे, मतलब उनके लिए जितनी भी योजनाएं होंगी, जो भी स्कूल में दिनचर्या होगी वो दिव्यांग बच्चे की ही तरह होगी, इसलिए वो बच्चे कैसा बिहेव करेंगे, वो दिव्यांग बच्चे की तरह बिहेव करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिव्यांग जो बच्चे हैं, लेकिन अगर उनको हम एक सामान्य बच्चे जो सामान्य स्कूल होता है उनमें दाखिला करा देंगे, उसमें क्या होगा कि सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे और जब उनकी लंच होगा तो सारे बच्चे एक साथ निकलेंगे और एक साथ मैदान में जाएंगे। जब एक साथ मैदान में सारे बच्चे जाएंगे और अपने आप को क्या महसूस करेगा, एक सामान्य बच्चे की तरह महसूस करेगा, या उन बच्चों को जब कभी खेलने के लिए होगा तो उनके टीम में खेलेगा, तो जब वो खेलना शुरू करेगा तो भूल जाएगा कि मैं दिव्यांग बालक हूँ, वो अपने आप को एक सामान्य बालक महसूस करेगा और सामान्य बालक की तरह ट्रीट करेगा। इस प्रकार जो उसकी शिक्षा होगी, इस प्रकार जो सीखेगा वो अधिक समय तक विकसित होगा और उसकी जो शारीरिक बनावट है वो सबको भूल कर वो अपने आप को भी एक सामान्य बालक की तरह महसूस करेगा, उसकी तरह भागेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, पढ़ेगा, उसको भी पता है लंच होकर प्लेट लेकर जल्दी से भागो तभी खाना मिलेगा, या खेलना है जैसे क्रिकेट खेलना है तो तेजी से रन लेना है, तो वो इस समय उसका जो मानसिक रूप से
दिव्यांगता वो हटकर वो मानसिक रूप से एक सामान्य बालक की तरह हो जाएगा। तो वही कह रहा कि समावेशी की जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि सामान्य मानसिक विकास हो सके, सामाजिकरण हो सके, शैक्षिक एकीकरण हो सके, समानता का अनुपालन करने के लिए, दूरियां मिटाने के लिए। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे विशिष्ट बालक। वैसे आप जानते होंगे लेकिन विशिष्ट बालक क्या है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि विशिष्ट बालक क्या है। तो अगर बौद्धिक दृष्टि से देखा जाए तो ये मानसिक प्रतिभाशाली मंद बुद्धि, तो यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे सर ये क्या है, ये तो काफी लंबी कहानी है। सर कहिए सौरभ सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बौद्धिक दृष्टि से मानसिक प्रतिभाशाली मंद बुद्धि जो बालक है, ठीक है, अगर हम किस रूप में देखें, अगर हम बौद्धिक दृष्टि से देखें तब आगे लोग देखेंगे यहाँ पर है शारीरिक दृष्टि से। तो यहाँ पे अंधे, गूंगे, बहरे, अपंग, दृष्टिबाधित, श्रवण जो सुन नहीं पाते ऐसे बालक होते हैं। माने बौद्धिक दृष्टि देखा जाए या मानसिक दृष्टि से तो प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि बालक होंगे। दूसरी तरफ सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो कुसमायोजित बालक, संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक। अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो तीव्र बालक, पिछड़े बालक, संप्रेषण बाधित बालक, ये इस प्रकार के बालक यहाँ पे हमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे शैक्षिक दृष्टि क्या होगा, तीव्र बालक होंगे, पिछड़े बालक होंगे, संप्रेषण बाधित बालक होंगे। आगे हम लोग देखेंगे विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक में क्या है ये देखेंगे हम लोग। विशिष्ट विशेष बालक सब मतलब है कि वह उस बालक से जिसकी सामान्य बालक से अलग सामाजिक वो मानसिक विशेषता अलग होती है। माने विशिष्ट बालक होती है जिनके सामान्य बालक से अलग सामाजिक व मानसिक विशेषता अलग होती है। विशिष्ट बालक सामान्य बालक से अलग होता है। 90 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक तथा 110 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला बालक विशिष्ट की श्रेणी में आता है। माने 90 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक और 110 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला बालक विशिष्ट श्रेणी में आता है। माने अगर एक तरह से कह दें तो यहाँ पे मंद बुद्धि वाला भी विशिष्ट बुद्धि बालक की श्रेणी में ही आता है। आगे हम देखेंगे जिस बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक हो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर पूछा जाए तो इन लाइन ही आपके परीक्षा में पूछी जाती है, जो आप नोट्स के सहारे यहाँ पे पूरा पढ़ ले रहे हैं कि जो जिस बालक की बुद्धि लब्धि 140 से उससे अधिक होगी वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। आगे देखेंगे परिभाषाएं। अगर परिभाषा की बात करें स्किनर और हैरिमैन के अनुसार क्या है, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। माने उन 1% बच्चों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली बालक, जैसे कि आप सब। टर्मन और आर्डेन के अनुसार ये बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व लक्ष्य, विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ज्ञानेन्द्रियों का विकास तीव्र गति से होता है, पढ़ने लिखने में रुचि अधिक होती है, प्रतिभाशील बालक की पहचान है, कठिन विषयों में रुचि होती है, शब्द भंडार व्यापक होता है, तीव्र तर्क शक्ति, स्वतंत्र निर्णय की क्षमता, नेतृत्व क्षमता और आलोचनात्मक चिंतन, अभिवचनात्मक चिंतन भी हमें देखने को इनमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे अगर हम देखेंगे तो अगला है सामाजिक और संवेगात्मक क्षमता। समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि अधिक होना, सामान्य ज्ञान अधिक अच्छा होना, गृह कार्य तीव्र से करना, समस्या समाधान में तीव्रता, अमूल विषय में चिंतन, तो ऐसा जो होगा ना वो 1% ही बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये भावना। आजकल जो नया पैटर्न पे सवाल पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है या कौन सी है, उसके जो ज्ञान इंद्रिय का जो विकास तेजी से होगा, पढ़ने लिखने में रुचि होगी, कठिन विषय में रुचि होगी, शब्द भंडार व्यापक होगा, तीव्र तर्क शक्ति होगी, स्वतंत्र निर्णय की क्षमता होगी, नेतृत्व की क्षमता होगी, आलोचनात्मक चिंतन होगा, विवेचनात्मक चिंतन भी होगा, सामाजिक और संवेगात्मक क्षमता होगा, समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि अधिक होना, सामान्य ज्ञान अधिक अच्छा होता है, गृह कार्य तीव्र से करता, समस्या समाधान में तीव्रता, अमूर्त विषयों में चिंतन, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होगी। अगर प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा की बात करें तो इसकी सांस्कृतिक शिक्षा, नेतृत्व प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, श्रेष्ठ अध्यापक, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य और सुस्पष्ट पुस्तकालय, तो प्रतिभाशाली बालक की जो शिक्षा की अगर श्रेणियां देखा जाए तो क्रमवार रूप से है। अगर प्रतिभाशाली बालक को प्रशिक्षण हेतु प्रयोजन विधि की प्रयोग हो जाता, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे होती है, आइए भी हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी पहचान कैसे होती है। तो प्रशिक्षण द्वारा, बुद्धि परीक्षण व अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, विद्यालय अभिलेखों के द्वारा, बालकों के गुण के आधार पर
समर्थन कार्यक्रम जैसे सेमिनार हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिता, तलालियों का प्रयोग, शैक्षिक भ्रमण, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि से हम उनकी पहचान कर सकते हैं। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सृजनशील बालक। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षा में सवाल आते हैं। अगर हम बात करें सृजनशील बालक, यदि बालक में नैतिकता, साहस, लगन जैसे गुण विद्यमान है तो वह बालक सृजनशील कहलाएगा। तो वह बालक क्या है? एक सृजनशील बालक कहलाएगा। आइजेक के अनुसार वह योग्यता जो नवीन शब्दों को देखकर असाधारण विचार प्रकट करे उसे सृजनशील बालक कहा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभिसारी और अपसारी चिंतन दोनों होते हैं। यदि बालक में नैतिकता का साहस, लगन जैसे गुण विद्यमान है तो बालक क्या होगा? सृजनशील कहलाएगा। अगर स्ट्रेंगर के अनुसार अगर हम देखें तो यह होगा कि सृजनात्मकता से तात्पर्य किसी आंशिक नवीन वस्तुओं के उत्पादन से है। ऐसे बालक कामयाबी के पीछे नहीं भागते बल्कि हमेशा काबिल बनने का कार्य करते हैं। कौन से बालक? ये होंगे हमारे सृजनशील बालक। ठीक है, कौन से बालक होंगे? ये सृजनशील बालक होंगे। ये किसी भी विषय को लेकर नवीन चिंतन करते हैं तथा मौलिक वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? ये मौलिक वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं। आगे हम देखेंगे सृजनशील बालक की विशेषता। सृजनशील बालक की विशेषता यहां पर क्या होगा जी, आप सब कमेंट आ रहे हैं। सृजनशील बालक की विशेषता क्या होती है? उसमें मौलिक चिंतन होता है, स्वतंत्र निर्णय लेने में वह जिज्ञासा उसके अंतर्गत होती है, वह नवीन चिंतन की योग्यता, दूरदर्शिता, रचनात्मक कार्य करना, नए आविष्कार में नए खोज करना, धारा प्रवाहित, तो ये सारे जो होते हैं ये क्या है? सृजनशील बालक की विशेषता होती है। इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको सकता है आपके काम आ जाए, ये नोट्स भी पूरी आपके काम आ जाएगी। तो सृजनशील बालक की ये विशेषता होती है। अब हम बात करते हैं मंद बुद्धि बालक की। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी वीडियो को इसको देख रहे हैं। इससे तात्पर्य उन बालकों से जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम है, जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम है तथा सीखने की गति धीमी होती है। ऐसे बालक निम्न में से निम्न स्तर का कार्य आसानी से नहीं कर पाते। 1913 तक मंद बुद्धि पिछड़े बालकों में अंतर के बारे में बताया गया था, लेकिन वर्तमान में मंद बुद्धि के लिए अमेरिका संस्था AAMP अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशिएंसी है जो ये बताती है कि हाँ कौन सा बच्चा मंद बुद्धि बालक है और कौन सा बच्चा इसमें पिछड़ा बालक है। कुरवन क्रो के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि यहाँ पर देखिए 10 से कम है, लेकिन यहाँ पर होगा 70 से कम होती है। स्किनर के अनुसार जब हम लोग एक टॉपिक बुद्धि पढ़ेंगे तो वहां पर इसका सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक कक्षा में छात्रों के लिए एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम द्वारा करना पड़ता है, इस कार्य से पूरा कर लेते हैं सामान्य बालक कहलाते हैं, और जो नहीं कर पाते उन्हें हम मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में रखते हैं। स्किनर, मंद बुद्धि बालक की विशेषता क्या होगी, आइए ध्यान से देखते हैं। आत्मविश्वास की कमी होता है, जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, स्मरण शक्ति कम होती है, भय से ग्रसित होते हैं, सीखने की गति धीमी होती है, सीखी हुई बातें वो दोबारा न कर पाना पता कर पाना, रूढ़िवादी तथा जो अंधानुकरण उनके अंदर होता है, सामाजिक या संवेगात्मक समाजन का भाव होता है, जटिल परिस्थितियां वो सीखने में असफल। तो ये ऐसे बालक हैं जिन्हें मंद बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं, मानी मंद बुद्धि बालक की पहचान है। ऐसे बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वह 80 से 89 होती है, जबकि टर्मन के अनुसार 70 से 90 तक को, कुरवन क्रो के अनुसार 70 से जो कम होती है उन्हें हम मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में रखते हैं। यह लाइन ही पूरी इंपॉर्टेंट है कि किसके आधार पर मंद बुद्धि की श्रेणी में किसको कहा रखा जाता है। तो आप लोग जरूरत पड़े तो इसके स्क्रीनशॉट रख लें, वैसे इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से या ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालकों में चार प्रकार की बीमारियां भी देखी जाती है। पहला मंगोलिज्म, फिर है क्रेटिलिज्म, फिर है हाइड्रासिफैली, फिर है माइकोसिफैली। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मंद बुद्धि बालक है उनमें चार प्रकार की बीमारियां भी देखी जाती हैं। जो मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा, इसमें विशिष्ट कक्षाएं जरूरत पड़ती है, ये हस्तकला शिक्षा की इनकी जरूरत पड़ती है, ये आत्मविश्वास की भावना का विकास कराना इनके लिए जरूरी होता है, मॉन्टेसरी विधि शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ता है और श्रव्य दृश्य सामग्री का ज्यादा ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि मंद बुद्धि के बालकों को शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं। हम बात करते हैं पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालक के तात्पर्य उन बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने सामान्य बालकों में पिछड़ जाते हैं।
अगर शैक्षिक बात के देखिए पूछा जाता है शैक्षिक लब्धि EQ कैसे नापा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। EQ इसमें क्या होता है, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु बुढ़े 100, हमेशा वास्तविक आयु नीचे होगा। मानसिक आयु, आयु को ज्ञात करने के लिए मानसिक बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यह सूत्र ही आपके परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लेता है। इसलिए अगर इस सूत्र को आपने एक बार पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो यहाँ सवाल आपके परीक्षा में एकदम सीधे सीधे आते हैं। रोनल के अनुसार पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु के स्तर के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमजोरियां प्रदर्शित करता है। माने पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु के स्तर के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमजोरी प्रदर्शित करता है। बार्टन के अनुसार सामान्यतः पिछड़े बालकों की श्रेणी में से बालक अति जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। पिछड़ने के कारण अगर हम यहाँ पे जाने तो क्या क्या कारण है जो पिछड़ जाते हैं बालक, उनमें वातावरण व परिस्थितियां, बार बार विद्यालय से पलायन, संवेगों पर नियंत्रण न कर पाना, पारिवारिक कारण, उपयुक्त पोषण न मिल पाना, शारीरिक दोष और रोग, निर्देशन व अभाव, निष्ठुर व अयोग्य अध्यापक। तो ये सारे कारण हैं जो बालक के पिछड़ेपन के, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आपका नोट्स भी खुद का भी बनकर तैयार हो जाएगा। पिछड़े बालक की क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसे बालक कक्षा कार्य तथा गृह कार्य को संकुचित नहीं करता, ऐसे बालक में जीवन के प्रति निराशा होती है, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ होते हैं, कुसमायोजित व्यवहार करते हैं, समाज के विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है, विद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों से लाभ उठाने में असफल होते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा अगर हम बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, अध्ययन की विषय, बच्चों को प्रेरित करना, विशिष्ट कक्षाएं चलाना, विशेष शिक्षण विधियां का प्रयोग, छोटे समूहों में शिक्षा, तो ये इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है जहां पर पिछड़े बालकों की शिक्षा की बात की जाती है। अब आपके सामने है एक समस्यात्मक बालक, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समस्यात्मक बालक कहां से आते हैं। ऐसे बालक जिनका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना है या उसे प्रभावित करना हो, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। समस्यात्मक बालक हमेशा समूह बनाकर रहते हैं तथा कक्षा में पीछे बैठते हैं। ये बालक हमेशा समूह बनाकर रहते हैं और कक्षा में पीछे बैठते हैं तथा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम देखेंगे समस्यात्मक जो बालक है वो कैसे वो जन्म लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, व्यवहार किसी बात से गंभीर रूप से या असमान होता है। समस्यात्मक बालक शिक्षा का अगर हम स्वरूप की बात करें तो हमारे सामने देखें इसमें क्या होता है, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, समस्यात्मक बालक का जो शिक्षा का, देखिए आपके इंटरव्यू में सवाल भी पूछा जाता है और आगे हम लोग बताएंगे जब हम लोग शुरू करेंगे प्रोसेस वहां पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसमें होगा कि मनोरंजन के साथ शिक्षा, जो समस्यात्मक बालक हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए क्या करना होगा कि मनोरंजन के साथ शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, उसमें पाठ्य सहगामी जो क्रिया है उसका आयोजन करना पड़ेगा। बालकों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, बालकों को क्या देनी चाहिए, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। क्षमता के अनुसार बच्चों की जो क्षमता है उसके अनुसार उनको शिक्षा देनी है। व्यक्ति इतिहास विधि या निदानात्मक प्रविधि का प्रयोग करें। अध्यापकों को व्यवहार मधुर हो ताकि बच्चा उनके साथ जुड़े रुके और उनके साथ पढ़ सके। तो जो समस्यात्मक बालक हैं उनके शिक्षा का ये स्वरूप था। अब हम देखेंगे विकलांग बालक, जिसे हम दिव्यांग बालक कहते हैं। जिन बालकों के शरीर कोई अंग जन्म से ही दोषपूर्ण हो या फिर किसी बीमारी चोट या दुर्घटना कारण कोई भी अंग दोषपूर्ण हो जाता है, ऐसे बालक को हम दिव्यांग बालक की श्रेणी में रखते हैं या विकलांग बालक की श्रेणी में रखते हैं। दिव्यांग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के से थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। विकलांग बालकों के प्रकार के क्या क्या हो सकते हैं, इसमें अपंग बालक हो सकते हैं, अंधे व शारीरिक रूप से अंधे बालक, बहरे व आंशिक रूप से बहरे बालक, वाणी दोष बालक, अत्यधिक कोमल व निर्मल बालक। तो यहाँ पर हमने देखा इस तरह से पांच प्रकार के विकलांग के यहाँ पर प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं गूंगे बालक की। तो गूंगे बालक के प्रकार, गूंगे बहरे बालक, जो बालक जन्म से बहरे होते हैं वह निश्चित ही या आवश्यक रूप से गूंगे होंगे, ऐसे बालकों को भाषा ओष्ट विधि सांकेतिक विधि होती है। केवल गूंगा बालक, यदि कोई बालक जन्मजात बहरा नहीं है और केवल गूंगा है तो उसे सामान्य बालकों के साथ साथ पढ़ाया जा सकता है। नोट, अंधे बालकों को लुई ब्रेल द्वारा बनाई गई ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अब है बाल अपराधी बालक। ये बाल अपराधी बालक क्या होता है, आइए इसको भी हम लोग जानते हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कानून होते हैं। यदि कोई वयस्क इन कानूनों को
का जो समाज विरोधी कार्य करता है उसे अपराधी बालक कहते हैं। यदि बालक या किशोर इस प्रकार का कार्य करता है तो उसका कार्य बाल अपराध कहलाएगा, ऐसे बालक को अपराधी बालक कहेंगे। सीजर लम्बोसो के अनुसार बालक अपराध का कारण कुछ अनुमानसिक दोष भी होता है। हिली के अनुसार वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता उसे अपराधी बालक कहा जाता है। मार्टिन के अनुसार न्यूमियर के अनुसार सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध में यदि वृद्धि हुई तो जिसका कारण जनसंख्या वृद्धि और शहरी वातावरण में रहने के कारण स्वरूप होता है बाल अपराध के कारण। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए। इसमें क्या होगा, सामाजिक कारण होगा बाल अपराधी के कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, विद्यालय संबंधित कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, पारिवारिक कारण, अनुमानसिक कारण, आवश्यकता की पूर्ति न होना और शारीरिक दोष, ये सब बाल अपराधी होने के प्रमुख कारण है बच्चों के। आगे अगर आप देखें तो बाल अपराध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बाल अपराधी बालक कुछ मांसपेशियों से युक्त ये आपातकृत आकार के होते हैं। बाल अपराधी बालक का जो स्वागत अशांत आक्रामक आकृति का होता है। ऐसे बालक संदेही दोषपूर्ण तथा दुश्मनी का भाव रखते हैं। ऐसे बालकों में स्नेह तथा नैतिकता का अभाव होता है। ऐसे बालक समस्याओं को सही तरीके से हल करने में रुचि भी नहीं लेते। अब हम देखेंगे बाल अपराध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो बाल अपराधी बालकों के लिए शिक्षा, अब देखिए बालकों को उनके अधिकार व कर्तव्यों का अवगत कराया जाए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा बालकों की रुचि योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार और क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होनी चाहिए। विद्यालय का संपूर्ण वातावरण उनके अनुकूल होना चाहिए। बालकों को व्यावसायिक निर्देशन देना भी आवश्यक है। इस प्रकार हम लोगों ने अब देखिए बाल अपराध का उपचार क्या है। बाल अपराध उपचार के लिए दो प्रकार विधि प्रयोग की, मनोवैज्ञानिक विधि है, दूसरी वैज्ञानिक विधि है। अब यहाँ पर आता है अधिगम क्षमता के प्रकार, ये परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए एक डिस्लेक्सिया है, अलेक्सिया ये पठन विकार है, इंपॉर्टेंट है, ये सारा एकदम इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। डिसकैलकुलिया गणित संबंधित विकार है। डिसग्राफिया अग्राफिया ये लिखने संबंधित विकार है, ठीक है। अफेजिया ये भाषा ग्रहण करने में कठिनाई है होता है। फिर क्या है, हाइपरलेक्सिया वाक्यों की बिल्कुल समझ न होना। अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया शारीरिक अक्षमता। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रमुख रूप से इनके अधिगम जो क्षमता था उसके प्रकार को यहाँ पे पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग टेलीग्राम पर जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे, जहाँ पे सभी क्लास की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप घर बैठे नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है जो आपके काम आ सकता है। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर चलती है। मेरे द्वारा ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में चलता है। जब भी मुझे समय मिलता है हम आपके लिए ये निःशुल्क क्लासेज लेकर आते रहते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक था समावेश शिक्षा, वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, मतलब सबको लेकर चलने वाली शिक्षा की वो हम समावेश शिक्षा कहते हैं। इसमें कई प्रकार के बालक होंगे, प्रतिभाशाली, सामान्य बालक, मंद बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, उसके बाद विकलांग बालक, फिर ऐसे भी बालक होंगे जो समस्यात्मक समस्या उत्पन्न करते हैं, समस्यात्मक बालक भी होंगे, अपराधी बालक भी होंगे, कई प्रकार के बालक होते हैं। इनको लेकर किस तरह से कच्चा कचका ले जाएं, यही है समावेश शिक्षा। इसीलिए आपके सिलेबस में और आपके पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया गया है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, जब कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। लाइक नहीं किया तो भी लाइक करके रखिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। अगर आपको कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।